नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके ये बता दिया कि वो कैसे करप्शन के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में आने के बाद पहली बार करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन लिया है या बोला है। मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी करप्शन के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। आईपीएस आईएएस को मोदी संबोधित कर रहे थे तब देखिए कैसे करप्शन के सवाल पर मोदी जमकर बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी मोदी के फैन हो जाएंगे। सर, अगर पूर्णतः विकास हमें पाना है तो सर भ्रष्टाचार को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। सर गुजरात में विकास हुआ है सर, तो सर आज आपने सर क्या कदम उठाए थे जिससे कि सरकार में जो भ्रष्टाचार था जो पहले था वो कम हो? भ्रष्टाचार का मसला जो है ऊपर से शुरू होता है, अगर वहां पर ठीक ठाक किया, और ठीक ठाक किया इतना नहीं है कि ऊपर वाला शुद्ध रहे, उसने ये देखना भी चाहिए नीचे भी अगल बगल में सब शुद्ध है कि नहीं है, फिर मजदूरी के नाम पर बातें नहीं चल सकती, कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं। और एक बार देखिए, बाणनाथ जो मनुष्य है ना, वो ईश्वरगत जो व्यवस्था है, ईश्वर ने हमारी प्राकृतिक जो व्यवस्था की है वो हमें अच्छाई की और जाने की, नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की, ये बाकी जो कर रहा है ना वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ कर रहा है। अगर हम उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ जाने के लिए एनवायरमेंट देते हैं तो फिर उसको लगता है नहीं नहीं उधर नहीं जा रहा है, इधर चलूंगा और थोड़ा कष्ट होगा चलूंगा मैं। कोई उपदेश की जरूरत नहीं होती है, कोई शिक्षा करने की जरूरत नहीं होती है, आप स्थितियों को बदल सकते हैं। और मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि बाय एंड लार्ज मेरे यहां अब इसके कारण होता क्या है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अब एक छोटा उसके लिए उपयोग, अब ये चीजें उठते से नहीं होती है। जैसे हमने आग्रह रखा है कि माय स्टेट इज ए पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, हमने पॉलिसी बनाई है, ऑनलाइन पॉलिसीज अवेलेबल है, हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को गुजरात से डील करना है तो वो थ्रू दैट पॉलिसी वो अपना डिसीजन ले सकता है कि हाँ मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, इनसे डील कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। जितना डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप कम हो जाता है, डिसीजन लेने का पावर अनएंडिंग प्रोसेस के रूप में होता है, उतनी करप्शन की संभावनाएं बढ़ती है। मैं ए को दूं या बी को दूं, ऐसी उलझन वाली व्यवस्था है तो मैं ए और बी के साथ सौदा करूंगा और जो ज्यादा देगा उसको दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इन राइटिंग है कि दीज आर द पैरामीटर्स, ए फिट होता तो ए को जाएगा, बी फिट होता बी को जाएगा, तो मेरे यहां सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है, सारी चीजें पॉलिसी। दूसरी विशेषता यह है कि हम ड्राफ्ट पॉलिसी को ऑनलाइन रखते हैं। इसके कारण दो फायदे होते हैं, एक सालों से सरकार में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, हो सकता है किसी न किसी कारण से उसका एक माइंडसेट बन गया हो सकता है उसका कोई विस्तृत इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो, तो वो पॉलिसी को ऐसे फ्रेम करेगा जो उसकी सोच और व्यवस्था और उसकी अपनी इच्छाओं के अनुकूल हो। हम क्या करते हैं, पॉलिसी का ड्राफ्ट नेट पर रखते हैं और लोगों को कहते हैं आप इसको पढ़ो और हमको इनपुट दो। उससे क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन के सुझाव आते हैं, ऑल द इंटरेस्टेड ग्रुप उसमें एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हमें एक चीज जो पहले नहीं दिखती थी अब सब दूर से देखने लगती है और हम भी निर्णय कर सकते हैं हाँ यार ये तीन बातें करने जैसी है, तीन बातें ले। और बाय लार्ज वन कैन नॉट से दैट ब्लैक एंड व्हाइट में परफेक्ट चीज रख सकते, लेकिन बाय लार्ज वो ऐसी पॉलिसी फ्रेम होती है जो आने वाले 10-20 साल तक सस्टेन कर सके, लोगों को कोई दुविधा ना हो ऐसी बनती है और उसका परिणाम होता है कि निर्णय हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे मुझे मिले तो मैं आपसे मीडिया प्रबंधन के बारे में जानना चाहता हूं। मतलब कभी भी जीवन में आप मुझसे संपर्क बनाए रखना चाहें आपका स्वागत है, ये भूल जाना
कि आप इस मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले हो, इतना ही याद रखना, एक इंसान है जिसके दिल में इस देश की प्रगति के सिवाय कोई सपना नहीं है। गुजरात को आगे बढ़ाना, देश की प्रगति के लिए बढ़ाना, इस सपने को लेकर हम लगे हैं। मुझे विश्वास है हम सफल होंगे। धन्यवाद।